सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त और सचिव श्री पंकज अग्रवाल जी, सेमिनार में भाग लेने वाले सभी प्रमुख 10 विभागों के हमारे अधिकारीगण, उपस्थित अन्य सज्जन वृंद, पत्रकार छायाकर मित्रों, जैसा बताया बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज ये जल संगोष्ठी हो रही है। इसमें स्टेक होल्डर्स तो बहुत हैं, नागरिक स्वयं में इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, लेकिन अगर प्रोफेशनली कोई एक वर्ग के बारे में कहा जाए तो किसान इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। किसान अन्न पैदा करता है, अन्न देश के काम आता है, समाज के काम आता है, पानी भी हम सबके काम आता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि किसान व्यवसाय के नाते, प्रोफेशन के नाते सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। और आज एक ऐसा दिन भी है कि किसानों के बहुत बड़े पैरोकार, मैं कहूँगा किसानों के मसीहा, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, केंद्र में भी वो मंत्री रहे, आज हमारे बीच वो नहीं रहे हैं। मुझे अचानक याद आया कि पिछले जून में वो अस्वस्थ हुए इसी प्रकार से, अचानक ज़्यादा ही अस्वस्थ थे, तो मैं अस्पताल में उनको पूछने के लिए गया, बेड रिडन थे, हालचाल पूछा, उन्होंने एक ही वाक्य कहा, सिम साहब कैसे हैं? मैंने ठीक है, हरियाणा में सब लोग ठीक हैं, ठीक हैं, किसानों का जरा ध्यान रखना। यानी ऑलमोस्ट ही वाज बेड रिटन, जैसे अभी स्थिति रही उसी प्रकार की स्थिति उस समय उनकी बन गई थी, लेकिन ऐसे अवसर पर भी उन्होंने किसानों को याद किया कि किसानों की चिंता करना। तो मैं समझता हूँ आज की इस जलगोष्ठी, संयोग ही ऐसा है आज का दिन वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैं तो चाहूँगा कि ये जो जल संगोष्ठी है ये उन्हीं को समर्पित की जाए। इस जल संगोष्ठी का महत्व देवेंद्र सिंह जी ने बताया है कि पानी ये हमारे लिए अमृत है, पानी हमारा जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है, पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है, उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है, वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है, और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है, संग्रह होता है डैम्स में, संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं, और वो जो उपयोग है वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे वहां भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे, उद्योग में भी पानी के बिना उद्योग संभव नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो मानव की है, मनुष्य की है। इसलिए इसका ध्यान अपने समय में हम जैसे तैसे इसका गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जैसे दबाव बढ़ रहा है, चाहे आबादी का है, चाहे उद्योग का है, आवश्यकता बढ़ रही है, सीमा
पानी की अपनी है, उसकी क्वांटिटी मात्रा उस सीमित है। वर्षा भी कभी कभी 10-5% ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो एक ऑन एवरेज। मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो एवरेज 5 इंच वर्षा अर्थात 150 मिलीमीटर के आसपास, अगर मैं आंकड़ा गलत नहीं बोल रहा, तो ये हमारी एवरेज है। अब वो है तो उसका जितना एरिया उस पर पानी जो पड़ेगा वही हमें उपयोग में आएगा। दूसरे के क्षेत्र का अगर नेचुरल फ्लो है पहाड़ से, वो तुम्हें मिलेगा, नदियों के माध्यम से मिलेगा। और संयोग ऐसा कि नदियां भी पंजाब का बंटवारा होकर हरियाणा से जब से बना, तो हमारे पास सीधी नदी तो केवल यमुना या फिर छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज वही आती हैं। यमुना में भी एक शेयर मिलता है हमको, सारा वो नहीं मिलता। या फिर रावी ब्यास, सतलुज रावी ब्यास, उसका भी शेयर भाखड़ा डैम के माध्यम से हमको मिलता है। इससे ज्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है। हम देख रहे हैं कि जैसा वो पानी का भी बंटवारा 3.5 MAF पानी हमको जो भाखड़ा से मिलना है या रवि व्यास का जो मिलना है, वो भी पूरा एसवाइल के निर्माण के ना होने के कारण से हमने मिल नहीं पा रहा। यमुना का पानी भी वर्षा में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जो सर्दी का समय है जब पानी बहुत कम होता है, तो हमारे अपने पीने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। उसमें से दिल्ली को भी सुनिश्चित पानी हमको देना पड़ता है। अर्थात जो वर्षा के दिनों में पानी की अधिकता है, उसके संग्रह का सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा कि उस संग्रह को, चाहे हमारे अपनी जमीन पर पानी आए चाहे यमुना में पानी ज्यादा आए, उसका संग्रह हम ज्यादा ज्यादा कैसे कर सकते हैं। संग्रह के रिजर्वायर, जैसे मैंने बताया, हमारे तालाब हैं, झीलें हैं, लेकिन वो भी उसकी कैपेसिटी कम हो गई, एनक्रोचमेंट्स हो गई, कहीं कहीं गंदे पानी, उसका फिर उपयोग भी नहीं होता, ओवरफ्लो भी हैं। रिचार्जिंग ये प्रायः प्रायः पूरे क्षेत्र में बंद हो गई है। पानी की जो पोरसनेस है, जमीन की जो पोरसनेस है, वो खत्म हो गई है। वो हमारे केमिकल्स के कारण से खत्म हुई है। जमीन की जो लेयर है वो मजबूत हो गई, पक्की हो गई, पानी नीचे रिश्ता नहीं है। केचुए पहले इसका रास्ता बना देते थे ऊपर से नीचे तक, अब हमारे पेस्टिसाइड्स ने और केमिकल्स ने केचुओं को भी खत्म कर दिया। जमीन का पानी, वो रिजर्वायर कम होता जा रहा लगातार। एक इसमें थोड़ी सी संभावना जो आशा की किरण एक बची हुई है, वो है रेनीवेल ट्यूबवेल्स। क्योंकि रिवर बेड में या उसके आसपास ही लगते हैं और वो फ्लो जो है लगातार ऊपर से नीचे तक चलता है। वो रिचार्जिंग से ऊपर से इतना नहीं जितना नीचे उसका अंडरकरंट भी चलता है। उस अंडरकरंट के कारण से उसका उपयोग हम कर रहे हैं, और अच्छे प्रकार से जब अगर कमी कोई पड़ेगी तो हमको साइंटिफिक तरीके से उसको करना पड़ेगा। फिर भी इसका जो मात्रा है वो हमारी सीमित है, उपयोग बढ़ता जा रहा है, तो ये जो गैप है प्राप्ति में और उपयोग में, इस गैप को फिलअप करना ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। अब ये किस प्रकार से करेंगे? जितना पानी का हम उपयोग कर रहे हैं, जैसा बताया कि हमारी आवश्यकता 34 MAF की खेती की है, और मिल रहा है हमको कितना? टोटल 20 MAF, जिसमें से 4 से 5 MAF तो हमको सीधा वर्षा से मिलता है, बाकी नदियों से मिलता है। जितना जमीन में पानी जाता है उससे ज्यादा हम दोहन कर रहे हैं, 139% दोहन कर रहे हैं हम, जो कि किसी भी एरिया का सर्वाधिक दोहन का एक पैरामीटर है। हमारे ब्लॉक्स डार्क जोन में आते जा रहे हैं। 2004-05 में 55 ब्लॉक डार्क जोन में थे, और अभी आज 2020 में 85 ब्लॉक डार्क जोन में है। क्यों मैडम? 30 ब्लॉक डार्क जोन में बढ़ गए हैं। अगर इसी प्रकार से बढ़ता चला गया तो पानी नीचे का भी मिलना बंद हो जाएगा हमको। इसलिए ये पानी की प्राप्ति नदियों से चाहे मिले, वर्षा से चाहे मिले, उसको संग्रह करना, फिर उपयोग करना, उपयोग के बाद अब जो विधाएं आ गई हैं नई, उसमें उसको ट्रीट करना। ट्रीटमेंट के ऊपर भी हमको उसका पूरा उपयोग, यानी पूरा ध्यान करना पड़ेगा, ताकि ये ट्रीटेड वाटर बहुत से क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारी प्राप्ति 20 MAF की है और हमारी आवश्यकता 34 MAF की है, तो ये 14 MAF उसी 20 को अगर रिसाइकल करके हम पूरा कर सके तो वही एक रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। पानी बना नहीं सकते हम, बिल्कुल नहीं बना सकते।
पानी जैसा है वैसा है, और पानी को वर्षा भी जैसे होनी है वो नेचुरल तरीके से होनी है, हम वर्षा नहीं पैदा कर सकते। ठीक है, कुछ साइंसदानों ने ऐसा किया है कि नेचुरल एक आर्टिफिशियल रेन के कुछ प्रयोग चलाए, वो नहीं बात मात्रा में नहीं हो सकता, बहुत कहीं एक प्रयोग के रूप में कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा। हम जैसा चाहें जहां चाहें वर्षा हो जाएगी, जितनी हम चाहें उतनी हो जाएगी, संभव ही नहीं है। वो तो एक वेदर का एक साइकिल है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से वो भी चेंज हो रहा है, उस पर भी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। कभी ये वर्षा फसल पकी मार्च अप्रैल में आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी वर्षा के का मानसून सीजन में इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ आने का खतरा हो जाता है। तो हमें इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, और रेगुलेट करके उसको मैनेज करके तब हम आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। आज हमारे डिपार्टमेंट, चाहे वो और पब्लिक हेल्थ है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज या फिर रूरल डिपार्टमेंट या जो भी कुछ इसमें कर रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी दी गई है 200 एसटीपीज या हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगभग इतने लगे हैं, जिसका 700 क्यूसिक पानी हम जो है रीयूज कर रहे हैं। क्या इतना ही है? 1800 MLD। लेकिन वो हमारी कुल उपयोग का बहुत थोड़ा है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। वो हम इरिगेशन के लिए कर सकते हैं, वो हम उद्योग के लिए कर सकते हैं, वो हम घर में अतिरिक्त पानी के अतिरिक्त जो उपयोग है उसमें कर सकते हैं। हम अपने वॉशरूम्स का जितना भी रीयूजेबल वाटर उसको यूज कर सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है HSVP के हमारे कुछ सेक्टर्स में इन्होंने शुरू भी किया है कि डबल पाइपलाइन की सप्लाई, पोर्टेबल वाटर पीने के लिए अलग और बाकी दूसरी लाइन अलग, जिसके अंदर बाकी चीजों का बागवानी है, अगर में कोई किचन गार्डन है या पार्क है कुछ और है, उसकी सिंचाई उससे करेंगे और जो उपयोग है उससे करेंगे। और ये अच्छी मात्रा, अच्छे यानी क्वालिटी का वाटर भी ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है। पिछले दिनों सिंगापुर जाना हुआ, मेरा वाटर पार्क है वहां, तो उस वाटर पार्क में उन्होंने बॉटल्ड वाटर रखा हुआ था। तो हम तो ये गए कि जैसे जाते ही थोड़ा विश्राम करने के लिए आदमी कहता है बैठे पहले चाय पिए पानी पिए, हमने समझा ये पीने के लिए पानी होगा, चाय आएगी बैठा रहे और उसके बाद फिर अंदर दिखा के लाएंगे। तो उन्होंने बैठते ही कहा कि ये पानी देख रहे? मैंने कहा, कह लगे हमारे प्लांट का ट्रीटेड वाटर है, और प्लांट का ट्रीटेड वाटर वहां पीने में कहीं कहीं किसी किस्म की दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, इस लेवल तक का है। हम अभी सिंचाई के लिए भी कैसे 10 BOD से पानी और क्वालिटी इसकी अच्छी हो उस पर लगे हैं, और उनका BOD तो शायद 0 या 1-2 ही होगा। कॉस्ट पड़ती है, लेकिन पानी की कीमत के बदले में वो कॉस्ट कुछ नहीं है। हम सब कुछ करने के लिए अपनी योजनाओं को बनानी चाहिए। इस पानी का रेगुलेशन, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमको मजबूत सी, ताकि वेस्ट ना जाए पानी। पिछले दोनों इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमारा चैनलाइजेशन का जो कार्यक्रम है लगभग 2500 करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई थी, खास करके यमुना नहर की, उस पर काम चल रहा है। अभी भी 3 दिन पहले मुणक हेड के ऊपर एक पैरेलल दिल्ली ब्रांच का मैं शिलान्यास करके आया हूँ, हालांकि काम शुरू हो चुका है उसका। हमने दक्षिण हरियाणा में भी जो लिफ्ट इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं, वेस्टर्न यमुना कैनाल का दोनों जो नहरें हैं उनका काम चल रहा है। क्योंकि चैनलाइजेशन जितना अच्छा होगा, खेत में आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने के लिए हमको सुविधा होगी, हम उसमें चोरी नहीं होने देंगे। जितना पानी है उसका अच्छा प्रबंधन, अच्छा उपयोग, फिर इसके प्रबंधन में हमको मेयरिंग सिस्टम ये भी अपने करने पड़ेंगे। हर स्थान के ऊपर पानी जो है, कितना पानी जाना चाहिए, कितना जा रहा है, आखिर उसकी प्लानिंग तो हम करते ही हैं। RTDAS ये जो रेगुलेशन का सिस्टम बनाया है, कुछ पॉइंट्स पर लगा है, सारे प्रदेश में भी नहीं लगा पाए हैं। कितने RTDAS लगाए होंगे हमने? 180 हो गए हैं, ताकि किस पॉइंट पर कितना पानी हमको छोड़ना है और कितना जा रहा है उसका डाटा हमारे पास ऑनलाइन होना चाहिए। कई बार शिकायतें आती हैं कि इधर पानी ज्यादा छोड़ दिया, इधर कम छोड़ दिया, इसकी स्पर्श लग गई, उसने दबाव डाल दिया, वहां हेरा फेरी कर दी, फिर एक जगह जितना छोड़ा आगे उसके चैनलाइज अलग अलग चैनल्स हैं सब मिलाकर के उतना आगे बढ़ रहा है, या रास्ते में किसी ने चोरी कर लिया। जमीन का पानी, इसका भी समय समय पर हम हर एरिया का उसका मेजरमेंट हमको रखना पड़ेगा, किस एरिया में कितना पानी नीचे जा रहा है, आज क्या लेवल है, 6 महीने बाद, साल बाद क्या होगा, उसी में से हम
चीजों को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारी जो जल संसाधन अथॉरिटी मैडम केशिनारायण रोड़ा जी, उन्होंने अच्छा प्रयोग किया, पीजोमीटर लगभग 1700 पीजोमीटर लग चुके हैं। इतना ही है, बड़े तो नहीं, कुछ 1700 हो गए हैं। कितने की योजना है हमारी है? सभी गांव 6500 गांव में गांव लेवल पर हमको पता लगना चाहिए कहां पानी ज्यादा निकाला जा रहा है, ताकि हम उसका कोई प्रबंधन कर सकें। इसके लिए जो कोई नियम बनाना पड़ेगा नियम बनाएंगे, जो उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगानी है वो भी लगाएंगे, क्योंकि पानी को अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, और जनता का मानस यह है ठीक है पानी पर क्या पैसा लगता है, पानी जितना मर्जी यूज करो, लेकिन रेगुलेट करने के लिए उसका कंसीडरेशन भी एक सिस्टम होता है, उसको करना पड़ेगा। शहरी हमारे डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, टाउन कंट्री प्लानिंग है और मुलुकुल बॉडीज है, उन्होंने उस पर ध्यान देना शुरू किया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको पता है कि वो कठिन बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा काम को करना पड़ेगा जन भागीदारी, क्योंकि ये सब कितना ही हम अपने यहाँ इंडोर इन हाउस योजनाएं बना लें, प्लानिंग कर लें, कितने ही नए नए प्रयोग कर लें, कितना ही बजट खर्च कर लें, लेकिन जनता का सहयोग अगर इसमें नहीं होगा तो चीज सफल होने वाली नहीं है। तो जनता में एक अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि पानी ये हमारे लिए भी है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। जहां जहां खपत ज्यादा हो रही है उस खपत को कम कैसे करना, मैं अभी तो नहीं, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, किसी एक सज्जन के पास बैठा था तो उन्होंने कहा कि पानी का जो उपयोग है इसको कम, हम घर में कैसे इसका उपयोग कम कर सकते हैं। मैंने कहा यही है कि परिवार के लोगों को समझाना चाहिए, वेस्ट ना करें, कहीं कोई एकदम ठोस तरीका कोई ध्यान में आता है? मैंने कहा आप बताइए। कह लगे हाँ, एक मैं बताता हूँ कि जो हमारा वो जो क्या उसको बोलते हैं पानी, जब सिंक तो होता फ्लश करते हैं तो वो जो बॉक्स होता है डब्ल्यू सी तो वो हो गया, जिस बॉक्स सिस्टम, तो वो कहने लगे उसका ढक्कन हटा करके उसके अंदर एक ईंट रख दो। मैंने कहा इससे क्या होगा कि अगर वो 8 लीटर पानी उसमें आता है तो कम से कम 1-1.5 लीटर पानी बच जाएगा, और उस सिस्टम में तो जितना पानी आपने सारा 8 लीटर का 8 लीटर छोड़ना तो 8 लीटर चला जाएगा, अगर एक ईंट रख के पानी बचा लोगे तो 6 लीटर में भी काम हो जाएगा। उसका साइज जितना आवश्यक है उतना ही रखना चाहिए। लोग शौक में बड़ा बड़ा सिस्टम बनाते हैं ताकि उसके अंदर पानी खूब जाए। अब छोटा प्रयोग है लेकिन पानी बचाने की विधि अगले ने बताई। तो इस प्रकार से पानी को बचाना है तो ये जन जागरण हमको करना पड़ेगा कि पानी को बचाया कैसे जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कितना बनाना, कैसे बनाना है। अब पानी की आवश्यकता है, पूर्ति करनी पड़ेगी। घर घर हर घर जल नल से जल एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उसे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है तो पानी का उपयोग जितना है उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। और अंत में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार के संसाधन बजट, अनुराग जी की तरह देख रहा हूं मैं, क्योंकि काम सब किए जा सकते हैं, बड़ी सीमा तक किए जा सकते हैं, बड़े लेवल तक किए जा सकते हैं, तेजी से किए जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन हमारी बजट की जरूर है। इस बजट का कहां कहां से हम उपलब्ध करा करके, और अपने ट्रेजरी से हो जाएगा अच्छा है, ट्रेजरी से नहीं हो तो अतिरिक्त रिसोर्सेज जितने मिल सके उतने लगाने चाहिए, और लगाने के बाद हर एक विभाग को इन कामों को अपने लेवल पर उसकी एक जिसको कहना चाहिए मास्टर प्लान, मॉडल प्लान ये बनानी चाहिए। ये ठीक है कि फिर जब कोऑर्डिनेशन करेंगे तो उसके अंदर हो सकता है एक टाइम प्लान के हिसाब से शेड्यूल बनाना पड़ेगा, भी इतना काम इस साल करते हैं, इतना अगले साल करेंगे, इतना उससे अगले साल करेंगे, हो सकता है पूरा काम एक ही साल में पूरा ना हो, लेकिन लंबी प्लान के लिए भी इनिशियली एक उसका होलिस्टिक
जिसको करना चाहिए उसका व्यू पॉइंट ये बनना चाहिए कि क्या हरियाणा में ये सब कर सकते हैं क्या, पाउंड अथॉरिटी के माध्यम से क्या सभी 8000 ओवरफ्लोर जो हमारे पाउंड हैं जो जो गंदे पानी के हैं उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसकी खुदाई कैसे कर सकते हैं, रिचार्जर के लिए कैसा कर सकते हैं। हम अब जितने पानी की जहां जहां वेस्ट होता है चोरी होती है उसमें जो हमारे छोटे पानी के खाल जिनको बोलते हैं वो कितनी मात्रा है और कितना उसको कर सकते हैं, इस साल कितना कर सकते हैं, अगले साल कितना करेंगे, रिचार्जिंग वेल कितने मैक्सिमम बना सकते हैं ताकि जितना मैक्सिमम बनाएंगे उसमें नीचे के पानी का भी हमको क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी लोग डराते हैं कि ज्यादा रिचार्जिंग वेल सीधा पानी डालेंगे तो नीचे का पानी खराब हो सकता है, उसका भी सारा सिस्टम आपको सोचना होगा। इनकी सबकी टेक्निक आप लोगों को जिनको जानकारी है बहुत अधिक है, हमको जानकारी नहीं, हमको तो मोटा मोटा एक पिक्चर पता है कि पानी, पानी की आवश्यकता, इसकी आपूर्ति, किसी को कष्ट आगे आने वाले पीढ़ियों तक भी ना हो, हमारे ध्यान में तो इतना है। लेकिन इसको कैसे करना है, लगभग जैसे बताया 10 विभागों के लोग यहाँ बैठे हैं, सभी विभाग इसमें अपना जिम्मेवारी जो है वो निभाएं, जन भागीदारी की जैसे मैंने बात कही वो हम करें। एक विषय इसमें भूमि सुधार का भी आता है, क्योंकि पानी का उपयोग करने के लिए अगर भूमि ठीक नहीं है तो भी हमको कठिनाई होगी। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गया है, अब वाटर लॉगिंग जो पानी वास्तव में ऊपर है ऐसा नहीं कि नीचे चोहे का पानी सब जगह से आ गया, वो पानी रिचार्ज होकर नीचे नहीं जा रहा, वहां वहां मिट्टी की भूमि की जो लेयर्स हैं उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। अगर वहां भी आप ट्यूबवेल लगा करके पानी निकालना चाहेंगे, वाटर लॉगिंग ऊपर के एरिया में है, नीचे आपको 60 फुट से 50 फुट से नीचे पानी अच्छा पानी मिलेगा नहीं, वो पानी नीचे नहीं जा रहा है। तो इसमें भी जो संबंधित विभाग हैं उस पर जरूर चर्चा करें, और हमारा तो इन सब विषयों को लेकर के एक पवित्रता का भाव मन में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य काम है। कोई ऐसा ही नहीं है कि जैसे कोई सड़क बनाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए एक अभियान चला दिया, उतना अभियान है, उतना नहीं है। इसमें पवित्रता का भाव, हमारे प्राचीन समय में हमारी सांस्कृतिक जो जितनी भी धरोहर है उसके अंदर भी इनका बड़ा महत्व था। नदियां अपवित्र नदियां, उनको माता कहा तो क्यों कहा है, नदियों के प्रति एक जनता का भाव ऐसा था कि हमारी पवित्र एक पानी वाहक जो नदी है इसके बिना जीवन सूना है। अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी शहर बसे, गांव बसे, सब नदियों के किनारे ही बसे हैं। ये तो बाद में इंटीरियर में हमारी आवश्यकताएं हमको ले गई, खेती वहां और अंदर तक जाके कर सकते हैं, भूमि बंजर पड़ी उसको उपजाऊ बना सकते हैं, हमारे पास वहां जगह कम है रहने के लिए, अंदर खाली जगह पड़ी है मकान जाके वहां बना लो, गांव बस गए छोटे छोटे। नहीं तो जितने भी नदियां, चाहे वो गंगा है, कावेरी है, नर्मदा है, सिंधु है, सरस्वती है, अब सरस्वती नदी की आज हम खोज करते हैं तो आदि बदरी से लेकर के और नीचे गुजरात तक कितने ही स्थान ऐसे मिले हैं जो प्राचीन सांस्कृतिक हमारी पहचान उसको बताते हैं। आज भी अगर हम जम्मू कश्मीर के खास करके लेह के इलाके में जब मैं गया हूँ, पीछे मैंने अध्ययन किया, देखा है कि सारा पहाड़ जैसा सूना पहाड़ होता है, जैसे रेगिस्तान में कुछ पैदा नहीं होता तो वहां पहाड़ ऐसा वहां कोई वनस्पति पैदा नहीं होती है, बीच में कहीं एक जगह पर दिखेगा कि हाँ एक टापू सा है जिसमें सारी वनस्पति है, पेड़ ही पेड़ है, गांव बसे हुए हैं। हमने कहा भी बाकी सारे में नहीं है, यहाँ क्यों बसा हुआ ये, कह लगे यहाँ वो पानी का झरना बहता है और पहाड़ से नीचे आता तो ये पानी है, जिस जगह पर पानी है वहां ये बस्ती बनी हुई है, आगे पानी जहां नहीं है सब सूखा पड़ा है। तो ये प्रत्यक्ष आज भी पहाड़ों में जाके हमको देखने को मिलता है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि नदियों की स्तुति में एक अंतिम एक श्लोक पढ़ करके मैं भी बात समाप्त करूंगा। नदियों की स्तुति हमारे साहित्य में कैसे मिलती है, भारतम महाभारतम गंगा नर्मदा पुण्य तीर्थम। भारत जो है वो महाभारत इस रूप में, यानी महान भारत कब है, जब ये नदियों का वहां विद्यमान है। गंगा नर्मदा पुण्य तीर्थम सिंधु सरस्वती कावेरी जीवन कारण मूल तत्वम, हमारे जीवन के मूल तत्व है ये नदियां। नदी राष्ट्रस्य महाअमृतम, यानी नदी जो है हमारे राष्ट्र के लिए महाअमृत का इस प्रकार से रूप है। तो इन विषयों को लेकर के हम इस दो दिन की गोष्ठी में जितना विचार चिंतन हम कर सकते हैं जरूर करें, पानी की प्राप्ति से लेकर पानी की खपत और उसके बाद पानी की ट्रीटमेंट, उसका रीयूज और फिर पानी का भंडारण, पानी का चैनलाइजेशन, और पानी
हमारे लिए इतना कम ना हो जाए कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमको कहीं कहे कि हमारे पूर्वज जो है वो, उनको कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी, तो जैसे हमें पानी जो है विरासत में यहाँ तक मिला है, हम अगली पीढ़ी को भी पानी विरासत में दे करके जाए। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।